कुंभलगढ़ में महारानी जयवंताबाई की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया। इस तरह 28 फरवरी 1572 को ये मेवाड़ के राजा बने। में जो मुगल सेना का दस्ता था वो डरकर भाग निकला। ठीक उसी समय वीर शिरोमणि मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। वे मुगल सेना पर इस तरह टूट पड़े जैसे शेर हिरणों के झुंड पर टूट पड़ता है। अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले से ऐसा प्रहार किया कि भाला सुल्तान खान सहित उसके घोड़े के शरीर को भेदकर पार निकल गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं हिंदुआ सूरज मेवाड़ मुकुट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की महान जीवन गाथा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मैं आपको किसी प्रकार की लोक कथा या किंवदंती से प्रेरित होकर नहीं बल्कि प्राचीन लिखित इतिहास तथा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सुनाने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप के धर्म की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत किए गए संघर्ष को लोगों ने सिर्फ हल्दी घाटी के युद्ध में समेट कर रख दिया, परंतु उनका संघर्ष इससे कहीं बहुत अधिक था। उनके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए संघर्ष, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध तथा उनके चरित्र के हर पहलू के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की इस महान गाथा का वर्णन। ये बात 15वीं शताब्दी की है। मेवाड़ की गद्दी पर राणा उदय सिंह सिसोदिया विराजमान थे। राणा उदय सिंह की 20 रानियां थीं। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को कुंभलगढ़ में महारानी जयवंताबाई की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया। मजबूत बदन, मनमोहक मुस्कान, चेहरे पर सूर्य सा तेज, राणा उदय सिंह ने इस बच्चे के रूप तथा गुणों के आधार पर इसका नाम रखा कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। इनकी माँ जयवंताबाई ही इनकी पहली गुरु थीं। वे श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। उन्होंने बचपन से ही प्रताप को धर्म की स्थापना के लिए हुए युद्ध महाभारत तथा श्री कृष्ण की युद्ध नीतियों का ज्ञान देना शुरू कर दिया। वे प्रताप को उनके पूर्वजों के शौर्य, उनके इतिहास के किस्से सुनाती रहतीं। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन से ही ये साहसी तथा पराक्रमी थे। जब ये बच्चों के साथ खेलते तो उसमें भी इनके नेतृत्व करने का जो कौशल था वह सबको दिखाई पड़ता। बाल्यावस्था में इनको गुरुकुल भेजा गया। वहाँ ये आधा पहर अस्त्र शस्त्र तथा घुड़सवारी की शिक्षा लेते तो बाकी पहर ये पास की बस्तियों में गुजारते। इनको राजकुमारों वाली शाही तथा आरामदायक जिंदगी पसंद नहीं थी। ये प्रजा के बीच में रहना पसंद करते थे। वर्तमान समाज जिस छुआछूत की समस्या से आज भी जूझ रहा है, ये 15वीं शताब्दी में भी उससे बहुत परे थे। ये आदिवासी भीलों तथा लोहारों के बीच रहते, उन्हीं के साथ भोजन करते तथा उनसे नित्रोज नए कौशल सीखते। भीलों से ये सीमित संसाधनों के साथ जंगल में जीवन यापन तथा लोहारों से ये शस्त्र निर्माण की कला सीखते। ये उनके बीच इतने घुल मिल गए कि बचपन से ही वो उनको अपना राजा मानने लगे थे। भील इनको कीका सरदार कहकर बुलाते थे। ये मेवाड़ राज परिवारों में कुल 33 पुत्रों में सबसे बड़े थे। इनका राजा बनना तो वैसे भी तय था, परंतु राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी धीरा भाई भाटियाड़ी चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजगद्दी पर बैठे। राणा उदय सिंह ने धीरा भाई की बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को भावी राजा घोषित कर दिया। 28 फरवरी 1572 को होली के त्यौहार के दिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण राणा उदय सिंह ने देह त्याग दी। उस समय राज परिवारों में एक प्रथा हुआ करती थी कि मृत्यु के बाद जिस पुत्र का राज्याभिषेक होना होता था वह राजा के अंतिम संस्कार में नहीं जाता था। उसके राज तिलक की तैयारी की जाती थी जिससे कि गद्दी खाली न रहे। बाकी पुत्र राजा का अंत्येष्टि संस्कार करते थे। प्रथा के अनुसार जगमाल के राज तिलक की तैयारी हो रही थी। इधर महाराणा प्रताप अपने अन्य भाइयों के साथ पिता को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। गोगुंदा नाम की जगह पर राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। वहां सभी सरदारों ने जगमाल के राजा बनने पर आपत्ति जताई। कहा कि मेवाड़ पर अकबर की कुदृष्टि पड़ी हुई है। वह मेवाड़ को पाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। इस समय मेवाड़ को एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है। जगमाल अकबर का सामना करने में सक्षम नहीं है।
हमें प्रताप को राजा बनाना चाहिए। सर्वसहमति से महाराणा प्रताप को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया। हमेशा से मेवाड़ के राजनैतिक मामलों में उदयपुर के सलमपुर के सरदारों का फैसला मान्य होता था, जहां तक कि राज तिलक करने का अधिकार भी सलमपुर के सरदारों को ही प्राप्त था। तो सलमपुर के तत्कालीन सरदार कृष्णदास चुंडावत ने वहीं गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया। इस तरह 28 फरवरी 1572 को ये मेवाड़ के राजा बने। गोगुंदा से जयकारों के साथ जब सभी महल की तरफ बढ़े तो जगमाल क्रोध में महल छोड़कर चला गया तथा अकबर से जाकर मिल गया। अकबर बहुत बुद्धिमान तथा अवसरवादी था। वह हमेशा हिंदू राज परिवारों में फूट डालने का प्रयास करता रहता तथा इनको कमजोर करके इन्हें अपने अधीन कर लेता। जैसे ही जगमाल अकबर के पास पहुंचा, अकबर ने बड़े ही गर्मजोशी से उसका अपने दरबार में स्वागत किया तथा जागीर में उसको जहाजपुर दे दिया। अकबर किसी भी कीमत पर मेवाड़ को हासिल करना चाहता था, क्योंकि अकबर के व्यापार मार्ग में मेवाड़ बीच में आता था। उसको दिल्ली में पश्चिमी मुल्कों से गुजरात बंदरगाह से होकर व्यापार करना होता या सैन्य मदद लेनी होती तो बीच में मेवाड़ पड़ता था। महाराणा प्रताप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अकबर मेवाड़ को पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम मेवाड़ की सैन्य शक्ति को मजबूत करना तथा आर्थिक स्थिति को सुधार करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अकबर मेवाड़ से युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनके इतिहास से वो अच्छी तरह वाकिफ था और महाराणा प्रताप से तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता था। अकबर ने महाराणा प्रताप के राजा बनते ही सितंबर 1572 में जलाल खान कोरची को महाराणा प्रताप के पास अपना दूत बनाकर भेजा, क्योंकि जलाल खान कोरची बहुत ही विनम्र तथा मृदुभाषी था। महाराणा प्रताप ने जलाल खान कोरची का अपने अतिथिशाला में रहने की व्यवस्था की तथा खूब आदर सत्कार किया। जलाल खान कोरची मेवाड़ में लगभग 2 महीने तक रुका। उसने महाराणा प्रताप को अपनी मृदुभाषिता के साथ अकबर से शांति संधि करने से होने वाले लाभ तथा न करने से उनको तथा प्रजा को होने वाले संभावित कष्टों के बारे में समझाया, पर महाराणा प्रताप ने उनको अंत में एक ही जवाब दिया कि खान साहब, मेवाड़ के शासक तो भगवान एकलिंग जी हैं, मैं तो उनका दीवान हूँ। जब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल जाता, मैं आपको क्या जवाब दूँ। इस वाकये से महाराणा प्रताप के चरित्र के एक और पहलू का पता चलता है कि भले ही उनको उस दूत का जो संदेश था वो अस्वीकार था, किंतु फिर भी उन्होंने उसका पूरी तरह से आदर सत्कार किया तथा इस तरह का जवाब दिया जिससे अतिथि का मान भी बना रहे। कोरची वापस अकबर के पास पहुंच गया, अकबर को सारा हाल बताया, पर अकबर निराश नहीं हुआ। उसने दिमाग लगाया कि महाराणा प्रताप नौजवान हैं, तो क्यों ना किसी राजस्थान के नौजवान राजा को भेजा जाए जो समान परिवेश, समान भाषा तथा हम उम्र होने के नाते महाराणा प्रताप को बेहतर तरीके से समझा पाए। उसने आमेर के राजकुमार मानसिंह को कहा कि आप जाइए और प्रताप को समझाइए कि हमारी शांति संधि का प्रस्ताव स्वीकार करे। यहां मैं आपको बता दूं कि आमेर ही वह पहला राज्य था जिसने भारत में सबसे पहले सन 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में अकबर की अधीनता में आए मानसिंह को स्वाधीनता और पराधीनता के बीच का अंतर समझ नहीं आना स्वाभाविक था। मानसिंह को अकबर का संबंधी होने का तथा दूत बनाकर भेजे जाने का घमंड था। उसने महाराणा प्रताप को उदय सागर के किनारे भोज पर मिलने का प्रस्ताव भेजा। चूंकि राजनैतिक मुलाकातें हमेशा दो समान औहदे वाले लोगों में होती हैं और मानसिंह आमेर का राजा नहीं सिर्फ युवराज था, तो महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र मेवाड़ के युवराज अमर सिंह सिसोदिया को भोज पर भेज दिया। अमर सिंह भी महाराणा प्रताप की तरह वीर था, पर लापरवाह तथा उद्दंड किस्म का था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे क्या कहना है जिससे सामने वाले का मान बना रहे, उसे जो कहना होता वह कह देता था। परंपरागत तरीके से बैठने के लिए चौकियां लगाई गईं, सोने चांदी के बर्तनों में खाना लगाया गया। अमर सिंह वहां बहुत देरी से पहुंचा तो मानसिंह को काफी इंतजार करना पड़ा था, इसलिए वो पहले से ही क्रोध में था। उसने अमर सिंह से महाराणा प्रताप के बारे में पूछा तो अमर सिंह ने कहा कि उनके पेट में दर्द है, वो उदर सूल से परेशान हैं। उन्होंने आपकी सेवा के लिए मुझे ही भेजा है, ये कहते हुए अमर सिंह के चेहरे पर एक व्यंगपूर्ण मुस्कान थी।
अमर सिंह के इस व्यंगपूर्ण जवाब को सुनकर मानसिंह समझ गया कि महाराणा प्रताप उसके साथ बैठने पर अपना अपमान समझ रहे हैं। वह क्रोध में लाल हो गया और चेतावनी देते हुए बोला कि महाराणा प्रताप से बोल देना अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां से उनके पेट दर्द का इलाज साथ लेके आऊंगा। अमर सिंह तो था ही उद्दंडी, वह बोला कि ठीक है जाओ, और एक काम करना, अपने उस फूफा को भी साथ लेकर आना, देखते हैं क्या इलाज करोगे, हम भी इधर तैयार हैं। मानसिंह गुस्से में तिलमिलाता हुआ दिल्ली पहुंचा। वहां उसने अकबर को सारा हाल बताया और युद्ध पर जाने के लिए सेना की मांग करने लगा। बोला मैं प्रताप को खत्म कर दूंगा, मेवाड़ को उजाड़ दूंगा। पर अकबर बहुत बुद्धिमान था, वह स्थिति के हर पहलू पर विचार करता था। वह आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेता था। उसे समझते देर नहीं लगी कि मानसिंह को भेजकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब अकबर ने सोचा कि चलो इस बार संधि प्रस्ताव लेकर राजा को भेजते हैं। तो अकबर ने इस बार मानसिंह के पिता आमेर के राजा भगवान दास कछवाहा को संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा प्रताप के पास भेजा। सितंबर सन 1573 में भगवान दास महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो महाराणा प्रताप ने सामने से स्वयं उसकी अगवानी की तथा भरपूर स्वागत किया। प्रताप ने कहा कि आप मेरे बड़े हैं, मेरे लिए पूज्य हैं। तो भगवान दास को आशा की किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यह नम्रता मानसिंह की धमकी का असर है। भगवान दास ने भी संधि प्रस्ताव महाराणा के सामने रखा, कहा कि मुगलों की विशाल सेना के सामने छोटे से मेवाड़ की विजय की आशा रखना असंभव है। जब पराधीनता निश्चित है तो व्यर्थ की रक्तपात से क्या लाभ। तुम स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार करो, मैं बादशाह से सिफारिश करूंगा कि तुम्हें दरबार में उचित सम्मानजनक पद तथा उपाधि दी जाए। इस पर महाराणा प्रताप ने कहा, स्वतंत्रता के बदले स्वर्ग का राज्य मिलने पर भी उसे तुच्छ कहा जाता है। भगवान दास भी निराश होकर लौट गए तथा सारा वृतांत अकबर को सुनाया। अकबर फिर भी मेवाड़ से युद्ध करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसने एक और आखिरी प्रयास करने का सोचा। इस बार महाराणा प्रताप से वार्ता के लिए अकबर ने राजा टोडरमल को चुना। ये अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। ये दिसंबर 1573 में मेवाड़ पहुंचा। उसने प्रताप को डराने का प्रयास किया कि देखो मैं वहां का वित्त मंत्री हूं, उनके पास धन तथा सेना की कोई कमी नहीं है, उन्हें मेवाड़ से युद्ध लड़ने में जो नुकसान होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत बड़ी सेना है, जीत भी उनकी निश्चित ही है, तो तुम क्यों अपने राज्य को बर्बाद करना चाहते हो, तुम अकबर के मनसबदार बन जाओ। इस बार भी राणा का जवाब वही था। इस बार भी अकबर के हाथ निराशा ही लगी। वार्ताओं के दौर चलते रहे। इसी बीच महाराणा प्रताप सेना संगठित करते रहे। उन्होंने आदिवासी भीलों लोहारों को युद्ध कला का प्रशिक्षण देना शुरू करवाया तथा अकबर के दुश्मन राजाओं को अपने साथ लेना शुरू कर दिया। प्रताप द्वारा सारे संधि प्रस्ताव अस्वीकार करने पर अब अकबर युद्ध करने के लिए मजबूर था। यदि वह युद्ध नहीं करता तो यही संदेश जाता कि सारे हिंदुस्तान पर राज करने वाला मुगल बादशाह अकबर छोटे से राज्य मेवाड़ से हार गया तथा धीरे धीरे सभी राज्य उसका विरोध करने लग जाते। अकबर खुद महाराणा प्रताप से सीधे कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, वह उनके सामने भी नहीं आना चाहता था। उसने मानसिंह के क्रोध को अपना हथियार बनाया। अकबर ने मानसिंह को 5000 सैनिकों की सेना देकर वहां से भेज दिया। मानसिंह पहली बार एक स्वतंत्र सेनापति बनकर इस युद्ध में गया था तथा उसका साथ देने इस युद्ध में गया था आसिफ खां। यह बहुत ही बलवान तथा क्रूर था। इनके साथ इस युद्ध में अब्दुल कादिर बदायूनी भी आया था। यह अकबर का वेतन भोगी इतिहासकार था। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह मुगल सेना के साथ मेवाड़ के लिए निकल गया। इधर महाराणा प्रताप के पास लगभग 2500 से 3000 सैनिक थे। इसमें उनके साथ भील राजपूत लोहार तथा अकबर के विरोधी अफगानी राजा हाकिम खां सूर भी थे। 18 जून 1576 को विश्व के सबसे भीषण युद्धों में से एक, स्वतंत्रता के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ा गया हल्दीघाटी का युद्ध आरंभ हुआ। महाराणा प्रताप का हरावल दस्ता मुगल सेना पर बिजली की रफ्तार से टूट पड़ा। इस भयंकर हमले से लूणकर्ण के नेतृत्व में जो मुगल सेना का दस्ता था वो डरकर भाग निकला। ठीक उसी समय वीर शिरोमणि मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया।
वे मुगल सेना पर इस तरह टूट पड़े जैसे शेर हिरणों के झुंड पर टूट पड़ता है। महाराणा प्रताप की सेना ने शुरुआत के 3 घंटे में ही मुगल सेना के हरावल दस्ते को पूरी तरह नष्ट कर दिया। डरी हुई मुगल सेना अरावली की घाटियों की तरफ भागने लगी। सेना को भागते देख मुगलों का एक सैनिक मेहत्तर खान जोर से चिल्लाने लगा कि मुगल बादशाह अकबर विशाल सेना लेकर रणभूमि में स्वयं आ रहे हैं। यह घोषणा सुनकर मुगल सैनिकों में थोड़ा उत्साह आ गया और वे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर महाराणा प्रताप ने मानसिंह के सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया तथा अपने घोड़े चेतक को लेकर मानसिंह के पास पहुंच गए। मानसिंह अपने हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप के घोड़े ने अपने पैर उठाए और हाथी के सिर पर रख दिए। महाराणा प्रताप ने अपना भाला मानसिंह की तरफ फेंका तो मानसिंह महाराणा प्रताप के वार से बचने के लिए हाथी पर लगे हौदे में बैठ गया और बाल बाल बच गया। मानसिंह के हाथी की सूंड में तलवार लगी थी जिससे चेतक का अगला पैर कट गया तथा महाराणा प्रताप को भी इस युद्ध में शरीर पर कई घाव लगे थे। महाराणा अपने घोड़े चेतक को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे। साधड़ी के झाला मानसिंह, जिन्हें झाला विद्या भी कहा जाता है, उन्होंने महाराणा प्रताप को चेतक को लेकर बाहर जाने को कहा कि इस समय आपको तथा चेतक को इलाज की आवश्यकता है, लेकिन महाराणा प्रताप ने रणभूमि छोड़ना स्वीकार नहीं किया। अधिक विनती करने पर महाराणा प्रताप ने झाला विद्या की बात मान ली। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर सुरक्षित स्थान की तरफ निकल गए, जहां चेतक ने घायल पैर से 26 फुट चौड़ी खाई को कूदकर पार किया तथा बलीचा गांव में पहुंचकर बेहोश हो गया तथा वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। इधर हल्दी घाटी के मैदान में भील और राजपूतों ने मुगल सेना का बुरा हाल कर दिया। यह देख मानसिंह ने मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया तथा वहां से अपनी सेना लेकर लौट गया। अकबर ने पराजित होकर आए मानसिंह तथा आसिफ खान को दरबार में बहुत अपमानित किया तथा 3 महीने तक उनके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी। सन 1576 में अकबर खुद युद्ध लड़ने आया और उदयपुर पर विजय प्राप्त की तथा इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख लिया। पर अकबर की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, वह उदयपुर से ही वापस लौट गया। सन 1577 में फिर अकबर ने महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए शाहबाज खान को भेजा। शाहबाज खान ने 1577 में हमला किया और उसको पराजय का सामना करना पड़ा। 1578 में शाहबाज खान ने फिर से हमला किया। इस बार इतने विनाशकारी युद्ध लड़ने के बाद एक और नया युद्ध लड़ना मेवाड़ के लिए आसान नहीं था, अतः महाराणा प्रताप को मजबूरी में किले का त्याग करना पड़ा। पीछे से 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया। वहां से जाने के बाद महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। यहां ये जंगलों में रहे तथा इन्होंने भीलों तथा लोहारों को प्रशिक्षण देकर फिर से सेना बनाई तथा शाहबाज खान पर हमला करके कुंभलगढ़ को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। कुंभलगढ़ विजय के बाद महाराणा प्रताप ने आगे की रणनीति बनाने के बारे में सभी सरदारों के साथ बैठक की, जहां सभी का एकमत से फैसला हुआ कि सिंध की तरफ जाकर पर्याप्त धन एकत्रित करके पुनः विशाल सेना का निर्माण करके सीधे अकबर पर हमला किया जाएगा। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा भानसोनगरा के हाथों में सौंपकर गुजरात की तरफ निकल गए। जब शाहबाज खान को यह सूचना मिली तो उसने महाराणा प्रताप पर 1579 में फिर से हमला किया, लेकिन इस बार भी उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस बार की पराजय के बाद शाहबाज खान हमेशा के लिए वहां से वापस चला गया। महाराणा प्रताप जब ईडर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में चूलिया गांव में महादानी भामा शाह तथा उनके भाई तारा चंद ने इनको 25 लाख नगद तथा 20 लाख सोने की अशर्फियां दी। इस आर्थिक सहायता से प्रताप ने फिर से अपनी सेना संगठित करना शुरू कर दिया। 1580 में फिर अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को महाराणा प्रताप से युद्ध करने को भेजा। ये वही रहीम खान हैं जिनके दोहे आप सुनते आए हैं। अकबर जानता था कि रहीम योद्धा नहीं है बल्कि कवि हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, फिर भी वह महाराणा प्रताप पर मानसिक दबाव बनाए रखना चाहता था। अब्दुल रहीम खान ने शेरपुर नाम की जगह पर जाकर अपने तंबू जमा लिए। उन्हें युद्ध लड़ना ही नहीं था, वह सुबह शिकार पर जाते तथा शाम को अपनी रचनाएं लिखते। अमर सिंह लड़ाकू तो था ही, उसने सोचा कि ऐसा क्या हुआ, आजकल मुगल हमले नहीं हो रहे हैं, तो वह अपना घोड़ा लेकर मुगलों के खेमे की तरफ निकल गया। वहां जाकर उसे पता चला सभी पुरुष शिकार पर गए हैं।
उद्दंडी दिमाग तो था ही। अमर सिंह मुगलों के खेमे में मौजूद सभी महिलाओं को कुंभलगढ़ ले आया। जब महाराणा प्रताप को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत आत्मग्लानी हुई। उन्होंने अमर सिंह को खूब डांटा तथा मुगलों की सभी बहन बेटियों को पूरे सम्मान के साथ वापस भिजवा दिया। इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप के दिल में औरतों के लिए कितना सम्मान था, भले ही औरतें दुश्मन की ही क्यों ना हों। अब्दुल रहीम खान खाना को जब महिलाओं ने पूरा वाकया सुनाया तो उसने महाराणा प्रताप के बारे में कहा था कि धर रसी धर्म रसी खपजा सी खुरसाण। इस घटना के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को वापस बुला लिया। अकबर ने फिर से अपने चाचा सुल्तान खान को सेना लेकर भेजा। इस बार इसका साथ देने के लिए साथ आया बहलोल खान बहुत ही ताकतवर तथा क्रूर था। इस समय तक मुगल मेवाड़ में डूंगरपुर की तरफ से देवल, उदयपुर में देवारी, पाली की तरफ से देसुरी तथा राजसमंद की तरफ से दिवेर में चौकियां स्थापित कर चुके थे। यह दिवेर चौकी मुख्य थी। प्रताप रणनीति बनाने के लिए पहाड़ों में जाकर बैठ गए। सुल्तान खान ने समझा कि प्रताप डर के छुप गया है। उसको लगा कि कब तक छुपा रहेगा, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। महाराणा प्रताप ने सन 1582 में पास के राज्य ईडर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के साथ में मिलकर अचानक से हमला बोल दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप तथा अमर सिंह ने ऐसे शौर्य का परिचय दिया जो अकल्पनीय है। अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले से ऐसा प्रहार किया कि भाला सुल्तान खान सहित उसके घोड़े के शरीर को भेदकर पार निकल गया। अमर सिंह की तरफ तेजी से बढ़ते बहलोल खान पर महाराणा प्रताप ने तलवार से ऐसा वार किया जिसमें बहलोल खान के घोड़े सहित दो टुकड़े हो गए। इस युद्ध में 36,000 मुगल सैनिकों ने प्रताप के सामने समर्पण किया। अकबर ने फिर से एक बार और प्रयास किया। इस बार 1585 में उसने भगवान दास कछवाहा के भाई जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। उनको भी महाराणा प्रताप ने पराजित करके वहां से खदेड़ दिया। इन कछवाहों के बार बार अकबर के ध्वज तले मेवाड़ पर हमला करने से क्रोधित होकर इनका स्थायी इलाज करने का फैसला किया। उन्होंने आमेर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मालपुरा पर हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। अब अकबर को समझ आ गया था कि शेर की माद में जाना मौत को गले लगाना है। उसके सारे हौसले पस्त हो गए। वो समझ गया कि मेवाड़ पर जितने हमले करूंगा उतना ही मेरा नुकसान होगा। इसके बाद अकबर ने पांव पीछे खींच लिए और फिर कभी मेवाड़ पर हमला नहीं किया। महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे सारे मेवाड़ को मुगलों से मुक्त करा के फिर से पूर्ण रूप से भगवामय कर दिया। 12 साल तक महाराणा प्रताप ने ऐसा सुशासन किया कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने कई निर्माण कार्य कराए, कई पुस्तकें लिखवाईं। उन्होंने चावंड में अपनी राजधानी बनाई, युद्धों में मारे गए सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की तथा पूर्ण देखरेख की जिम्मेदारी ली। एक दिन महाराणा प्रताप शिकार पर गए थे। सामने से शेर ने हमला किया तो प्रताप ने अपने धनुष की प्रत्यंचा जोरों से खींची जिससे उनके पेट पर तनाव पड़ने से कोई अंदरूनी जख्म हो गया जो बढ़ता चला गया। 15 जनवरी 1597 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने देह त्याग दी। जब यह समाचार अकबर को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। इस खबर ने उसको स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उसकी जीभ दांतों के बीच दबी रह गई। यह देखकर पूरा दरबार सोच में पड़ गया कि जिस महाराणा प्रताप को ताउम्र अकबर मारने की कोशिश करता रहा, आखिर आज उसकी मौत पर क्यों रो रहा है। हे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, धन्य हो आप जो आपकी मौत पर दुश्मन की भी आंखों में आंसू हैं। ऐसे महान योद्धा धर्म रक्षक महाराणा प्रताप के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करें तथा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।